हेलो। हेलो हेलो। हाँ हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी, क्या हाल चाल है? ठीक है सर। और आज की क्या रिपोर्ट? सर रिपोर्ट मतलब सर जैसे कल 10:30 बजे के बाद पानी पीना छोड़ दिया था रात को। फिर रात को सर तकरीबन 5 बार गया यूरिन के लिए, हाँ जी, और सुबह भी सर जैसे बिना पानी पिए तकरीबन 7 बार जा चुका हूँ सर। 5 बारी रात को अलग है और सुबह 7 बजे हाँ सात सुबह बारी अलग सुबह हाँ जी सुबह 7 बार लग सर। है। आखिरी बारी कब गए हो? आखिरी बारी सर गया था मैं लास्ट तकरीबन सर 6:30 बजे का टाइम होगा। क्वांटिटी तो क्वांटिटी भी ठीक आ रही है? सर जैसे रात को तो ठीक आ रही थी, सुबह भी मतलब अगर 7 बार गया हूँ तो 4 बार ठीक ही आई है, 3 बार कम आया, 4 बार ठीक ही था। रात को तो ऐसे हो रहा था कि जैसे बहुत जल्दी है कि पहुंचना ही पड़ेगा। और क्या कहते हैं, वेट कम हुआ? वेट सर जैसे जैसे अभी 1-2 बार किया, कभी 96 आ रहा है, कभी 96.3 आ रहा है या 96.2 आ रहा है ऐसे। अच्छा, मतलब कल था तकरीबन 97 के करीब आ रहा था। तो ठीक है। स्टार्ट हमने 97 से किया था ना? स्टार्ट हमने 97.5 से किया था। अच्छा, तो अब मोशन कितनी बार हुआ? मोशन सर 1 बार ही हुआ आज, मतलब कल 2 दिन के बाद अच्छा, आज 1 बार ही हुआ, पर वो भी मतलब ठीक ठीक ही हुआ। मतलब ये कि दो और दिन तो बिल्कुल ही नहीं था, आज फिर भी पेट साफ हुआ थोड़ा सा। सर दर्द वगैरह? सिर दर्द सर सारे में नहीं है, वही वो सिर की पिछली साइड पे ना जैसे गर्दन के ऊपर पिछली साइड पे वहां पे थोड़ी बहुत खींच पड़ती है सर। कब से? वो जिस दिन आपने बोला था ना होगा, तो उस दिन से कभी कभी बीच बीच में, हर टाइम नहीं है, जैसे लेटने के टाइम थोड़ी ज्यादा होती है। अच्छा, तो अभी चलने में कुछ फर्क पड़ा? चलने में सर मतलब आज कुछ कह नहीं सकता, कोई बहुत ज्यादा लगा नहीं सर जैसे कल से। अच्छा, और वैसे कोई स्पेशल कोई पेन वगैरह नहीं हुई? हेलो, हेलो। पेन वगैरह नहीं हुई कोई? पेन तो नहीं है सर, बाकी नॉर्मली है जैसे 8-9 बार जब वाकन रेस्ट कर लेता हूँ तो उसके बाद थोड़ी बहुत जैसे वो लेग के अंदर होता है कि कुछ जलन सी हो रही है, शिवरिंग सी थोड़ी बहुत होती है लेग में और पैर के नीचे, पैर के साइड पे। अच्छा, तो आज पानी अभी तक नहीं लिया? नहीं सर आज नहीं लिया, सिर्फ स्लेवर का स्प्रे? सलाइवा ठीक है सर, सलाइवा ठीक है, थोड़ा गर्मी के कारण थोड़ा लगता है कि प्यास लग रही है, वैसे सलाइवा ठीक है सर। ठीक है। पेट हल्का लग रहा है, भारी लग रहा है? पेट सर बीच बीच में कभी कभी लगता है कि जैसे थोड़ा भारीपन है, हर टाइम नहीं, मतलब अच्छा, वैसे नॉर्मल ही है। ठीक है। इसको आप 12-1 बजे तक जब तक चलता है चलाइए बिना पानी के, ठीक है सर। और उसके बाद फिर पानी पीना शुरू कर दीजिएगा 1-1 गिलास घंटे घंटे के बाद। ठीक है कल का पूरा दिन। कल का भी परसों का भी कोशिश करो। कल कितना खींच सकते हो बिना पानी के? खींच मैं कल कितना मतलब सकते हो बिना पानी के? जैसे थोड़ा पानी पीऊं? नहीं जैसे आप कह रहे हो ना कि पानी पीना है। ठीक नहीं, पानी नहीं पीना है जब तक खींच सको। मान लो आप 2 बजे तक खींच सकते हो, 2 बजे के बाद प्यास लगती है या कुछ 2 बजे दोपहर अनकंफर्टेबल। तक। हाँ, तो उसके बाद अगर अनकंफर्टेबल फील करते हो तो शुरू कर दो। जब भी अनकंफर्टेबल फील करो शुरू कर देना, फिर उसके बाद ग्लास ग्लास लेते रहना। तो ठीक अगर है तो सुबह जल्दी शुरू कर दिया फिर तो कल का ही करो, या फिर परसों का करना है तो आधा दिन करके छोड़ देना। तो मतलब 12-13 गिलास हो जाए, और या फिर कल का ही 12-13 हो जाए तो कल, नहीं तो फिर 2 दिन खींच देना, डेढ़ दिन खींच देना, कल भी परसों भी ज्यादा पानी कर लेना, फिर ठीक है सर, मतलब उसके बाद बंद कर लेना दोबारा से। हाँ, 1 दिन पूरा ऐसे ही बंद करना है। वो तो कल आपको बता दूंगा ना सर शाम को मैं, फिर और उस हिसाब से देख लेंगे कि भूख कितनी लग रही है पहले से?
भूख तो सर लगती है, उसमें कोई कमी नहीं हो रही? भूख में कमी कोई नहीं है सर, ठीक है। मतलब वो कम होनी चाहिए सर या ठीक है कि ऐसे ही रहना चाहिए? नहीं नहीं ठीक रहे, ठीक रहना चाहिए। मतलब कितनी रोटियां खा रहे हो एक बारी में? 3 सर। ठीक है, आपका हाइट कितनी है? हाइट सर है 5 फुट और 11 इंच के करीब है। कोशिश कर रहा है, भूख लगती है 4 तक जाने की। क्या चीज सर? अगर 4 तक खाई जाती है तो 4 तो रोटियां खाओ, हाइट ज्यादा है आपकी, वेट भी ज्यादा है। ठीक ठीक है, तो उससे वेट तो नहीं बढ़ेगा सर? नहीं वेट नहीं बढ़ेगा, जितना एनर्जी बढ़ेगी ना, जितना आराम करते हो उतना वेट कंट्रोल होता है और कम हो जाएगा। अभी फिलहाल देखते हैं कितना कम होता है, वैसे महीने भर में 5-1 किलो तो हो ही जाएगा। अभी तो फिर भी कितना, तीसरा हफ्ता चल रहा है ना, अभी 2 हफ्ते हैं। हाँ अभी अभी सर आज 16 दिन होगा शायद सर। हाँ तो हो जाएगा, इस महीने में 3 से 5 किलो तो वेट कम हो ही जाएगा। इसे ज्यादा फास्ट करना भी नहीं चाहिए। ठीक ठीक, मेनली वही है ना सर, वेट कम हो जाएगा थोड़ा सा। वो मतलब सर वो जैसे ना लेग में हैवी पन नहीं अभी जा रहा, मतलब हैवी पन वैसे का वैसे ही महसूस होता है, किसी टाइम लगता है कि ऐसे थोड़ा बहुत 2-4% हैवी पन ठीक हुआ है, पर वो हैवी पन ऐसे ही है जैसे मतलब चलने में थोड़ी सी दिक्कत कम हुई, जैसे चलने में थोड़ी सी दिक्कत पहले से कम हुई है, जैसे पीछे 2 दिन मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लगी है, टाइटनेस में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, जो हैवी पन है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है सर, हैवीनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती। बीच में एक दिन कहा था आपने कि हो गई? हाँ वो थोड़ी थोड़ी सी बस, वही ना जैसे बीच बीच में लगता है कि थोड़ी थोड़ी सी हो रही है, पर फिर वो वही के वही की मतलब जैसे टाइटनेस में थोड़ी 2-3 दिन लगता रहा कि थोड़ी थोड़ी कम हो रही है या थोड़ी मूवमेंट हो रही है बन रही है। और उस एक्सरसाइज का क्या चल रहा है? एक्सरसाइज सर कर रहा हूँ 12-13-14 बार में कर रहा हूँ सर। तो एक्सरसाइज करने के इमीडिएटली बाद थोड़ा बेटर लगता है? ये एकदम से सर थोड़ा सा जैसे बैठता हूँ, बैठने के बाद लगता है कि लेग थोड़ी हैवी कम हुई है, पर वो जब खड़ा होना है या चलना है फिर वैसे ही होता है सर। चलो अब 16 सप्ताह मतलब सर अभी भी रीजन वही है कि अभी भी जैसे सेल्स के अंदर पानी है? हाँ सेल्स के अंदर तो काफी पानी है अभी भी, और अब आपको जैसे पिछली बार आपने पानी पीने के बाद बंद किया था तो अगले दिन पेशाब ज्यादा नहीं आया था। हाँ जब फर्स्ट बार नमक के बिना पिया था। हाँ जी हाँ, जब पिछली बार नमक के बिना पिया था तो सिर्फ पूरे दिन में मैं 3 बार ही गया हूँगा, और रात को भी 3 बार ही गया था। इस बार यह कि रात को, जैसे कल रात को ये था कि मतलब ऐसे था कि अगर नहीं गया तो शायद बीच में ना हो जाएगी, मतलब काफी फ्लो बढ़ रहा था रात रात में, तो इसलिए मेरा अंदाजा है कि इम्प्रूवमेंट तो हो रही है कि भाई थोड़ा सा चेंजेस तो आ ही रहे हैं। अब अगली बार ही देखते हैं पानी बढ़ा के कम करके कितना चेंजेस आते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद एक बार नमक करेंगे और फिर जब तक तीसरा हफ्ता पूरा होगा ना 20-21 दिन जी 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 20-21 दिन पानी और खाना दोनों छोड़कर देखेंगे कितना फर्क पड़ता है। ठीक है, मतलब उससे भी एनर्जी लेवल बढ़ेगा और पानी अंदर का अपने आप कम होगा जो? हाँ उससे एनर्जी लेवल काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, सिर्फ एक की कोशिश करनी है कि इसी के बीच में टाइम स्क्वीज करके एक बार नमक पानी और कर लें उससे पहले। ठीक है सर, तो अगर वो कर लें 2 बार ही तो और अच्छा होगा। तो कल अगर पानी का इंटेक बढ़ाने का हो तो फिर थोड़ा सा 1-1 घंटे की जगह 40-45 मिनट बाद ले लेना, ताकि कल ही कल पानी बढ़ जाए और परसों फिर दोबारा से बंद करें, और फिर उसके बाद परसों के नेक्स्ट डे नमक पानी करके फिर उसको बंद करें। तो कल फिर मैं सुबह से शुरू कर दूं सर? सुबह से ना करो, देखो कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि मोशन वगैरह मतलब अच्छा उसका मोशन से भी फर्क पड़े, इसका भी मोशन पे डिपेंड है। हाँ मोशन के ऊपर भी है, अदरवाइज भी आप कितना और बेटर फील करते हो। तो मेरे ख्याल से कल 12-1 बजे तक तो रहने देना, फिर उसके बाद थोड़ा जल्दी जल्दी पी लेना ना 45-45 मिनट बाद। ठीक है, मतलब वो एक मतलब 12-1 बजे के बाद दिन के 10-12 ग्लास पूरे कर लूंगा 12। हाँ और परसों फिर छोड़ देना ऐसे ही एक दिन, परसों फिर छोड़ देना, उसके अगले दिन फिर नमक पानी करके फिर उसको भी छोड़ना है, फिर उसके बाद खाना पीने छोड़ना है। ठीक है सर, मतलब मैं तो सर करता हूँ कि कल जैसे अभी बाथरूम यूनिन आ रहा है, जैसे वो 1-2 बार और आ जाए ऐसे पानी के बिना ही आज पूरे दिन में, या रात को 1-2 बार आ जाए तो थोड़ा फिर अंदर का सेल्स का पानी निकलेगा, फ्लूइड निकलेगा,
तो उससे ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा तो बढ़ेगा ही ना। फ्लो फ्लो तो चलो अभी नहीं, फ्लो तो नहीं अभी हो रहा है, वेसल्स क्लोज है, पर वो सर्कुलेशन बाकी अंदर तो बढ़ेगा ही। हाँ थोड़ा सा वॉक एंड रेस्ट बढ़ा लिया करो एंड में आकर, जब पानी मतलब जैसे पानी पियो हो गया ना, दिन हो गया तो मतलब टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे थोड़ा वो वॉक एंड रेस्ट बढ़ा लिया करो, 40-40 मिनट बाद कर लिया करो, जल्दी जल्दी कर लिया। मतलब ऐसे कर लूँ सर कि जैसे शाम के टाइम थोड़ी थकावट हो जाती है, सुबह बढ़ा लूँ बीच में? नहीं थकावट नहीं होनी चाहिए ना, तो शाम को ही बढ़ाने की कोशिश करो, देखो थकावट थोड़ी देर बाद ठीक होती है। वो सर इसलिए होती है ना क्योंकि मेरी चलने में ही तो प्रॉब्लम है, इस करके थोड़ी मुझे लगती है कि थकावट हो रही है, मैं थक रहा हूँ। मतलब वैसे चलो प्रॉपर होना नहीं चाहिए, उसी को शाम को ही ट्राई करो, क्योंकि शाम को ऑलरेडी पानी कम हो चुका है ना, तो अगर आप वॉक एंड रेस्ट करते हो तो उससे नहीं, जैसे जिस दिन छोड़ा, जिस दिन छोड़ा हुआ है उस दिन आप बोले, जिस दिन पानी छोड़ा उस दिन शाम के टाइम बढ़ा दूं? हाँ उससे पानी ज्यादा से ज्यादा निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है मैं समझ गया सर। मतलब जिस दिन चलो पी रहा हूँ पानी उस दिन तो जैसे बीच बीच में करता हूँ, और कोशिश करूँ की जैसे उस दिन पी रहे हो तो बढ़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जिस दिन पानी छोड़ा है सारे दिन के लिए, उस दिन कोशिश ये करता हूँ कि 12 बजे 1 बजे के बाद बढ़ाना शुरू कर दूंगी, जैसे पहले 1-1 घंटे बाद कर रहा हूँ, फिर 12 बजे के बाद ही 35-40 मिनट शाम को बढ़ाओ उसको, 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद आधे आधे घंटे में कर लो। ठीक है सर, ठीक है ना, तो उससे देखते हैं, उससे यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। अभी भी आपके 8:30 बज गए ना, तो अभी भी बढ़ाओ आधे आधे घंटे बाद कर लो, देखते हैं कितना बढ़ता है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, कल फिर करता हूँ सर मैं कॉल। ठीक है, थैंक यू सर।